हिंदू का पैसा कहां? शोभा यात्रा निकालने में, जगराता कराने में, मंदिर पर छत्र चढ़ाने में, भंडारा कर देने में, यहां पर हिंदू का पैसा खर्च होता है। बेटी की शादी में हिंदू का पैसा खर्च होता है। डीजे पार्टियों में यहां से झंडा लेकर के जा रहे हैं खाटू श्याम, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। मुसलमान एक भी पैसा फिजूल का बर्बाद नहीं करता, वो सारा का सारा पैसा जकात में खर्च करता है। जकात का मतलब जानते हो? जकात का मतलब धर्म युद्ध के लिए जो दान दिया जाता है उसको कहते हैं जकात। यानी गजबाए हिंद की जो तैयारियां चल रही हैं, जल्दी से जल्दी भारत भूमि को चांद सितारे के रंग में रंग देना है, काफिरों को एक एक को काटना है, उनकी जो योजनाएं चल रही है उसमें वो पैसा देता है। कोई मुसलमान आपको भंडारा करते हुए नहीं मिलेगा, कोई मुसलमान मस्जिद की जो गुम्बद है उस पर सोना चढ़ाते हुए नहीं मिलेगा। ये तो बेवकूफी हमारे हिंदुओं के दिमाग में भरी पड़ी है। इनको अकल नहीं है कि पैसा खर्च करना है तो कहां करना है। हम तो खुद अपने लिए अपनी कब्र खोद रहे हैं आज। कथाओं में कोई चिंतन नहीं दिया जा रहा, बस वहां तो माताएं मैंने आती हैं ताली बजा बजा करके, नाच करके और चली जाती हैं। कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है कथा में, क्या खाक आनंद आ रहा है। राष्ट्र प्रेम की चर्चा, राष्ट्रभक्ति खत्म हो गई। कोई चिंतन कथाओं से नहीं दिया जा रहा है। केवल हमारे हिंदू समाज को नपुंसक बना दिया धर्माचार्यों ने, बस नचाना शुरू कर दिया। खुद भी भांड नाच रहे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके, पब्लिक को भी नचा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें भी नाच रही हैं। बस ये मनोरंजन हम लोगों ने धर्म समझ लिया। दूसरी तरफ उन लोगों को देखो कितने अलर्ट हैं वो लोग। इसलिए बंधु यदि बचाव चाहते हो अपना, तो पहला सूत्र है रिश्ते बचाइए। ये अभियान घर घर तक चलाइए, अपनी बेटियों को समझाइए, अपने बेटों को समझाइए। एक बच्चा तो कम से कम राष्ट्र के लिए होना ही चाहिए।